बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट चैप्टर में हमने मॉडलिंग ऑफ मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को डिस्कस किया था, और आज की जो वीडियो है इससे हम चैप्टर नंबर 6 जो कि पावर फ्लो एनालिसिस है इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हम बस एडमिटेंस मैट्रिक्स को क्रिएट करना सीखेंगे, और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये मैटलैब की सीरीज़ है। सो जितने भी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे हम थ्रू मैटलैब करेंगे। सो सबसे पहले इस चैप्टर की जो शुरू की जो एग्जांपल है, एग्जांपल 6.1 जो कि हादी सादात की बुक के अंदर है, हम उसको सॉल्व करेंगे। और ये जो एग्जांपल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपकी बेस बनेगी और आगे जाके आप जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम हैं जो कि गॉसिडल मेथड है, न्यूटन ऑप्शन मेथड है, और फिर आगे फास्टिकबल मेथड है, उसको आप सॉल्व करेंगे। सो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपको पहले क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। सो आज की जो वीडियो है इसमें हम एग्जांपल नंबर 6.1 को सॉल्व कर रहे हैं। एग्जांपल 6.1 में हमें ये जो फिगर है ये गिवन है, एक्चुअली हमारा एक पावर सिस्टम है जिसमें हमारे पास दो जनरेटर है, बस 1 है बस 2 पे, और हमारे पास टोटल 4 बसेज हैं। इम्पीडेंसेस हमें गिवन है, इम्पीडेंसेस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये जो साइन है ये पॉजिटिव है, आर प्लस जे एक्स, क्योंकि हमारे पास ये जो इमेजनरी पार्ट है ये पॉजिटिव है, सो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास इम्पीडेंस है। सो हमने क्या करना है, वैसे अगर आप थ्योरेटिकली इसको परफॉर्म करेंगे तो ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है इसको वाई बस फार्मूलेट करने का, लेकिन बहुत ही सिंपल मेथड है अगर आप इसको मैटलैब के थ्रू परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, हमने इस फिगर को देख के हमने एक मैट्रिक्स बनानी है, और उस मैट्रिक्स में हमने ये जो डेटा है इसको ऐड करना है, ठीक हो गया। सो इस डेटा को हम ऐड करने वाले हैं मैटलैब में। अब Z नाम की हमने एक मैट्रिक्स बना दी, और मैट्रिक्स में हम एक्चुअली स्पेसिफाई करने वाले हैं कि हमारे पास कौन सी बस से लेके कौन सी बस तक, लेट से बस 1 से लेके बस 2 के दरमियान हमारे पास कितनी इम्पीडेंस है। सो ये हम अपने मैटलैब के कोड में इस बात को स्पेसिफाई करेंगे। लेट मी चेंज इट्स फॉन्ट फर्स्ट। ओके, अभी थोड़ा ये क्लियर होगा। अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले डेटा को ऐड करना है इस मैट्रिक्स के अंदर के जो डेटा हमें गिवन था। सो ये मैट्रिक्स मैंने क्रिएट की है, इस मैट्रिक्स को क्रिएट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आपसे आपके पास ये जो रेफरेंस है, मतलब जिसको हम जीरो कह रहे हैं, ये एक्चुअली हमारे पास रेफरेंस है कि रेफरेंस, या फिर यहाँ पर हमारे पास जनरेटर है, यहाँ से लेके और बस नंबर 1 तक हमारे पास इम्पीडेंस हमारे पास कितनी है, ठीक है। इम्पीडेंस का मतलब है आर प्लस जे एक्स, ठीक है। सो ये आर की वैल्यू है और ये हमारे पास जे एक्स की वैल्यू है। अब क्योंकि हमने सिंपलिसिटी के लिए हमने अपने पास जो रेजिस्टेंस था इसको हमने इग्नोर किया हुआ था, सो हमारे पास इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास आर की वैल्यू गिवन नहीं है, जस्ट हमारे पास जे एक्स की वैल्यू गिवन है। सो हम यहाँ पे अपनी मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि मैटलैब है, मैटलैब ने एज्यूम नहीं करना, ऑटोमेटिकली हमने उसको खुद बताना है कि हमारे पास जो आर है वो जीरो है। सो हमने क्या किया, हमने ये बता दिया कि जीरो और 1, जीरो और 1 का मतलब ये है जी कि आपके पास कौन सी, ये वाली बस, जीरो और 1 के दरमियान में हमारे पास जो आर है वो जीरो है, और जो जे एक्स है उसकी वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है, 1 जे। सो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको हमने बता दिया कि ये हमारे पास कितनी वैल्यू है, 1। इसी तरह 0 और 2 के दरमियान में हमारे पास कितनी इम्पीडेंस है, 0.8, ठीक है। सो ये देखें 0.8, 0 और 2 के दरमियान में 0.8, सो ये हमने यहाँ पे 0 और 2 के दरमियान में 0.8। अब 1, बस 1 एंड बस 2 के दरमियान में कितनी इम्पीडेंस है, 0.4, इसको भी देख लेते हैं, 1 और 2 के दरमियान में 0.4, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम यही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे 1 और 3 के लिए, फिर 2 और 3 के लिए, एंड देन 3 एंड 4 के लिए, ठीक है। सो ये जो इम्पीडेंसेस हमें गिवन है इसकी हमने मैट्रिक्स यहाँ पे बना दी, 1 से 2 के लिए 0.4, 1 से 3 के लिए 0.2, 2 से 3 के लिए 0.2, एंड 3 से 4 के लिए 0.08। सो इस तरह से हमने क्या किया, हमने अपनी जो Z मैट्रिक्स थी वो बना दी। अब ये एक्चुअली हमने क्या किया, डेटा को कलेक्ट कर लिया और मैटलैब को हमने बता दिया। अब हमारा जो मैटलैब है वो क्या करेगा, इसकी Y बस बनाएगा।
सो वाईबस के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जो कि वाईबस इक्वल टू वाईबस ऑफ जी, जी जो हमने एक्चुअली पहले से डिफाइन कर लिया है, और वाईबस ऑफ जी क्या करेगा, हमें एक बस एडमिटेंस मैट्रिक्स जो है वो बना के दे देगा। सो आईबस को फाइंड करने का तरीका ये है कि आपने स्पेसिफाई करना है कि आपके पास जो बसेस हैं, बस नंबर 1, बस नंबर 2, बस नंबर 3 एंड बस नंबर 4 पे कौन कौन से करंट्स हैं जो कि इंजेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। सो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। सो अगर आप यहाँ पे देखें, अगर हम इसकी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये जो इम्पीडेंस है ये हमारे पास एडमिटेंस बन जाएगी, और एडमिटेंस बनने के बाद ये हमारे पास पैरेलल में आ जाएगी। सो जब इसको हम पैरेलल में लेके आते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो जब हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर ली तो हमारे पास जो वोल्टेज थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया करंट के साथ, और जो इम्पीडेंस थी वो हमारे पास के एडमिटेंस में कन्वर्ट होकर पैरेलल में आ गई, ठीक है। सो अभी हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास करंट कौन कौन सी बस पे इंटर हो रहा है। सो बस 1 पे करंट इंटर हो रहा है कितना, -1, और बस 2 पे इंटर हो रहा है -1.25, एंड बस 3 एंड बस 4 पे कोई करंट फिलहाल इंटर नहीं हो रहा, इंजेक्टेड करंट नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं कि बस 3 एंड बस 4 के लिए हमारा जो करंट है, इंजेक्टेड करंट है, वो जीरो है, ओके। सो बस 1 के लिए -1 एंड बस 2 के लिए -1.25। सो ये चीज हमने यहाँ पे एक्चुअली ऐड कर ली कि बस 1 के लिए -1.1 एंड बस 2 के लिए -1.25 एंड बस 3 एंड बस 4 के लिए 0, ठीक है। सो इंजेक्टेड बस करंट्स जो हमारे पास थे वो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर लिए। अब जब हमारे पास आई बस आ चुकी है तो अब हमारे लिए जेड बस फाइंड करना मुश्किल नहीं है। देखें, अब हमारे पास जो वाई बस जो कि ऑलरेडी हमने स्टेप नंबर 8 में हमने फाइंड कर ली है यहाँ से, ठीक है, ये हमने वाई बस फाइंड कर ली है। अब वाई हमारे पास होता है एडमिटेंस, और इसका रेसिप्रोकल हमारे पास होता है वो होता है इम्पीडेंस, मतलब कि ये हमारे पास इनवर्स अगर हम इसका ले लें एडमिटेंस का तो वो हमारे पास इम्पीडेंस आ जाएगा। सो हमने जी बस के लिए क्या किया, हमने इनवर्स ले लिया वाई बस का, तो हमारे पास जी बस आ गई, ठीक है। सो ये तीन स्टेप्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब उसके बाद अब आप अगर आप वोल्टेजेस फाइंड करना चाहते हैं, वी बस फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली इस जी बस को मल्टीप्लाई कर देना है आई बस के साथ। सो जी बस इंटू आई बस आपके पास वी बस आ जाएगी, ठीक है। अब अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो अगर आप जी बस फाइंड नहीं करना चाहते तो आप यहां से इन दो स्टेप्स के बाद आप डायरेक्टली वी बस फाइंड कर सकते हैं कि वाई बस ये एक्चुअली ऑपरेटर हमारे पास होता है, इसको हम वैसे तो आपकी जो मैट्रिसेस हैं उसमें डिवीजन काम नहीं करती, आपको जब आप डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी मैट्रिक्स को, लेकिन इन मैटलैब यू कैन डिवाइड, एक्चुअली यू कैन डिवाइड टू मैट्रिसेस बाय यूजिंग दिस ऑपरेटर। सो आप इस ऑपरेटर को यूज करके वाई बस वाई आई बस को सॉल्व करके वी बस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रोसीजर है, आप जैसे इस कमेंट को रिमूव कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली वी डोंट नीड टू वैल्यूज, सो मैं इसको दोबारा से कमेंट कर लेता हूँ, ओके। सो मैं इसको रन करता हूँ अभी, सो सबसे पहले आप देख लें यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास वाई बस जो कि एडमिटेंस बस थी वो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, और उसके बाद जी बस हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, और एंड फाइनली दिस इज आवर वी बस दैट वोल्टेज एट बस 1, बस 2, बस 3 एंड बस 4, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल 6.2 को सॉल्व करेंगे, एंड वी विल यूज द गॉस सीडल मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन।